हिजाब क्यों उतारेंगे? माँ बहनों का ये पर्दा है। अगर हम माँ बहनों पर्दा उतार देंगे तो हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों क्या सोचेंगे, पहले ही बताइए। इसलिए हिजाब हम लोग का जरूरी है। हिजाब पहनना हो है कि हम लोग पैंट शर्ट जींस पहने पहने, लेकिन हम लोग हम लोग का हिजाब इस्लाम में है। आप आपके साथ और हम इस समय गोरखपुर के बाले मियां मैदान में है। चुनाव मौसम है तो हर जगह जनसभाएं लग रही है, बड़ी नेताएं आ रहे हैं। आज यहाँ पे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं और उनकी सभा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा है। हमारे साथ यहाँ पे महिला इकट्ठा है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? आयशा खान। क्या लग रहा है आयशा जी, ग्रामीण में क्या होने वाला है? ग्रामीण में बदलाव होने वाला है, इंशाल्लाह ताला विकास होने वाला है। ओवैसी साहब आएंगे, हम सबको मजबूत बनाएंगे। ओवैसी साहब आएंगे, बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। अभी प्रदेश में योगी सरकार से खुश नहीं है जी? जहाँ तक की है तो शिकायतें तो सबको है, शिकायतें तो सबको है। आपकी शिकायतें क्या है? वो धर्म की बात बहुत करते हैं, वो धर्म की बात बहुत करते हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है, उन्होंने हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हम सबको समानता के अधिकार दे रहे हैं, सब लोग को सुविधाएं दे रहे हैं, आपको आवास राशन और तमाम लोगों को भेदभाव हो रहा है क्या? उनके कहने से वो सब वो कह रहे हैं कि हम सबको समानता का अधिकार दे रहे हैं, तो जो लोग इसका विरोध करते हैं वो उनको रोकते भी तो नहीं है ना। वो मुख्यमंत्री है, उनके एक इशारे पर अगर देश रुक सकता है तो वो ये दंगे फसाद तो क्या नहीं रोक सकते? उनकी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा तो वो ये दंगों को क्यों नहीं रोकते? उनकी शय है, कहीं ना कहीं वो इन दंगों और फसाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा ऐसा जी, एक चीज बताइए, यूपी में टक्कर जो है भाजपा और सपा में मानी जा रही है, मान लीजिए ओवैसी जी भी लड़ रहे हैं, अखिलेश बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ? और मन बना लिया है अखिलेश और योगी, मुझे कोई बेहतर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ओवैसी साहब को लाना है तो मुझे वो ही बेहतर लगता है। ओवैसी साहब तो कहाँ बन पाएंगे, मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। कोई भी सरकार एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे ही आती है। बीजेपी भी पहले कोई नाम निशान नहीं जानता था, उन्होंने स्ट्रगल किया, आगे बढ़े तब वो आए हैं। ऐसे इंशाल्लाह हम भी स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सत्ता में आएंगे। आपको लगता है यूपी में बदलाव होगा? इंशाल्लाह जरूर बदलाव होगा। बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आशिया है, मेरा मां नगर उपाध्यक्ष। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार ग्रामीण से मोहम्मद इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह इस बार उनकी सीट निकलेगी, क्योंकि मोहम्मद इस्लाम बहुत दमदारी के साथ लड़ रहे हैं और वो हमेशा से रहे हैं इस फील्ड में और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। विपिन सिंह विधायक है यहाँ के, वो भी चुनाव मैदान में बीजेपी से, विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी से, टक्कर किस में देख रही है? देखिए बीजेपी से पूरी जनता परेशान हो चुकी है और बीजेपी ने गरीबों को इतना दुख पहुंचाया है कि अब सारी जनता उनसे हार चुकी है और वो अब उनको वोट नहीं देगी। बीजेपी से जनता परेशान है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने केवल गरीबों को छला है, केवल गरीबों को छला। बीजेपी कह रही है सबको राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, रोजगार दे, शिक्षा दे, चिकित्सा दे, हमको रोजगार चाहिए भाई, आप रोजगार दीजिए, हम अपनी जरूरत की हर सामान खुद खरीद लेंगे। अच्छा भेदभाव क्या कर रही बीजेपी? बीजेपी जो है वो जातता का जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक जातता का रणनीति बना रही है, जात प्रजात उसका यही कर रहा है और मुस्लिम को टारगेट बना रही है बीजेपी। मुस्लिम को टारगेट बना रही है, मुस्लिम को टारगेट बना रही है। और आज हम इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ पहुँचाई जा रही है, टारगेट बनाए जा रहे हैं, तो मुसलमानों को बनाई जा रही है। और हमारे जो रहनुमा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमें लगता है कि उनके आने से अब हम उनका दरी बिछाएंगे और लोगों का दरी नहीं बिछाएंगे। अच्छा ऐसा जी, एक सवाल ये बताइए, हिजाब का मुद्दा बड़ा उठ रहा है, कर्नाटक से उठा यूपी तक पहुंच गया, क्या कहना चाहिए? अच्छा ठीक है, मंच पे बुलाया जा रहा है आशा जी को और भी महिलाओं से बात कर ले रहे हैं, ये बताइए हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, हिजाब क्या कहना चाहेंगे उस पे? देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को सूद समेत ये जवाब दे दिया है कि हमारी बेटियां हिजाब पहनेंगी, क्योंकि हमारी बेटियों को लगता है कि हम हिजाब में सेफ है और हम पहन के जा सकते हैं, हिजाब में सेफ है इसलिए हिजाब पहने। क्या हम लोग का इस्लामी है, हम लोग इस्लाम की तरफ से हैं, इसलिए हम लोग हिजाब पहनेंगे और हमेशा से हिजाब उतारेंगे। हिजाब क्यों उतारेंगे? माँ बहनों का ये पर्दा है, अगर हम माँ बहनों पर्दा उतार देंगे तो हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों क्या सोचेंगे, पहले ही बताइए। इसलिए ये जरूरी हिजाब हम लोग का जरूरी है। हिजाब पहनना हो है कि हम लोग पैंट शर्ट जींस पहने पहने, लेकिन हम लोग का हिजाब इस्लाम में है,
और हमारे पर्दा है, हमारी बेटी बहनों की इज्जत, हमारे बेटी बहनों का इज्जत है, इसी से तो हम लोग कहलाते हैं कि मुसलमान है। क्या नाम है? मुसलमान का नाम सुधा निषाद जी। सुधा निषाद, सुधा निषाद जी, आपका क्या लगता है, क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? मोहम्मद इस्लाम जीतेंगे हैं इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अभी ओवैसी जी आ रहे हैं, भीड़ भाड़ है, आपकी टक्कर लग रहा है ग्रामीण सीट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और बाकी कोई मुद्दा है जिसको लेके आप लोग जाएंगे वोट डालेंगे इस बार? देखिए हमारा मुद्दा ये है कि योगी मोदी मुसलमान के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या हम समझ सोच रहे थे कि अभी तक हमारा भी कोई हो, हमारे तरफ से कोई लड़ने वाला हो और एक आए हैं ओवैसी साहब, तो हम जरूर वोट करेंगे मुसलमानों के हितकारी। बस ओवैसी साहब हम लोग वोट लेना जानते और मुसलमान का आदित्यनाथ तो कहते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं, हम तो समानता दिए, सबको आवाज दिए, राशन दिए, पढ़ाई इन्हें क्या दिए हैं, बच्चों की भविष्य खराब कर दिए, महंगाई बढ़ा दिए, दिए क्या है, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे तो क्या राशन से हमारा पेट भर जाएगा, हम लोग के बच्चों का भविष्य आगे कहाँ जाएगा? अच्छा इस सरकार में कहीं देखिए दंगा भी नहीं हुआ वो कह रहे हैं? तो दंगा नहीं होता, दंगा बहुत होता है, हमने तो मस्जिद जलाई जाती है, राशन भी इकट्ठा होगा, जब बेरोजगार हो रहा है कभी मंदिर भी टूटा हुआ है, हमेशा तो मस्जिद और कुरान को जलाया जाता, तोड़ा जाता है, इमाम को मारा जाता है इस उनके इस मिराज में। तो आप लोग अपनी ओवैसी जी के साथ हैं? आप फिर एकदम हम लोग जो उनके साथ है, हाँ हम लोग खड़ा करेंगे। ठीक है, तो हम इस समय गोरखपुर ग्रामीण के बाले मिया का मैदान है यहाँ पे थे और आज अभी ओवैसी जी का यहाँ पे रैली होने वाला है, जनसभा होने वाला है और यहाँ पे तमाम आप लोगों को देख सकते हैं महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है, इसीलिए ओवैसी को वो सत्ता में लाएंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव, धन्यवाद।